यूपी से हैं नीतू जी, स्वागत है आपका। जी जी बताइए, सवाल कर लीजिए। नमस्ते जी नमस्कार। जी मैम, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ उनकी उम्र है 45 साल, ठीक है। और मैम उनका वो बवासीर है मैम, और ठीक उनका ब्लड भी गिरता है, ठीक है और उनका थकावट भी आती है। ठीक है ठीक ठीक है बच्चा। अच्छा देखो, जिसको भी खूनी बवासीर होती है उसको कमज़ोरी आना लाजिम है। काफ़ी सारा खून एक बार बाथरूम जाने में चला जाता है, तो ये खूनी बवासीर रुकनी चाहिए। अच्छा देखिए, बहुत इलाज भी किए होंगे, सालों साल इलाज करते रहो, कुछ नतीजा नहीं आता। घरेलू नुस्खा अगर आप लिख लें तो बड़ा अच्छा हो जाए। आप अगर लिखने के लिए तैयार हैं तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक जो देखते हैं आप पनवाड़ी, जो पान पे कत्था लगाता है ना, ये वाला कत्था सूखा मिलता है मार्केट में, कत्था सफ़ेद कहते हैं इसे। कत्था सफ़ेद 100 ग्राम लें, इतना सा होता है 100 ग्राम, और 100 ग्राम कत्था सफ़ेद और 100 ग्राम लाजवंती के बीज, 100 ग्राम, ठीक है। और उस 100 ग्राम आपको लेना है इसबगोल की भूसी, और 100 ग्राम लेनी है अलसी, और 100 ग्राम लीजिए सफ़ेद गौन मोरिंगा। देखिए सारी चीज़ें आपको असली मिल जाएंगी, गौन सफ़ेद गौन मोरिंगा असली लेना ज़रूरी है। ये सफ़ेद रंग का होता है, और लाल या पीला कोई दे तो मत लें। इन सबका पाउडर बनाएं और 1-1 ग्राम सुबह शाम खाना शुरू करें। नाश्ते और खाने के बाद एक प्याली दूध से लें, और हफ्ता 10 दिन इसी तरह लें, उसी से फ़ायदा नज़र आने लगेगा। तो फिर आप इतना ही रहने दीजिए। अगर फ़ायदा कम नज़र आए या आपको इतना ना हो या ना नज़र आए तो फिर इसे 2-2 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 1-1 ग्राम दीजिए, आपकी मम्मी को फ़ायदा होना मुमकिन है। बिल्कुल। तो नीतू जी, आपके मम्मी को फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर कोई भी बात लिखने से आप चूक गई हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकती हैं 24 आवर्स कभी भी। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो कि हेल्पलाइन नंबर पर मौजूद होते हैं। आप कभी भी उस नंबर पर कॉल कीजिए, कोई भी क्वेरी आप लोग कर सकते हैं। राजस्थान से हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी, प्रश्न करिए। अरे ये मेरा ये प्रश्न है, मेरे सिर में थोड़ा वो धब्बा आ गया था खून का, तो मुंह में वो एक साइड खींच गया था, टेढ़ा टाइप हो गया था। अब मैंने मेडिकल लिया, अच्छा हुआ थोड़ा। पर आपके सर में, हाँ हाँ बताइए। तो वो क्या है, मेरे एक साइड मुंह में सूजन आती रहती है, मतलब अभी भी सूजन आ रही है, कभी कभी थोड़ी देर अच्छा होता है, थोड़ी देर वापस सूजन आ जाती है। ठीक जी। हाँ देखिए, एक तो आप लहसुन खाया करिए 5 पीस रोजाना, लहसुन के पीस 5, एक निवाले में एक रख के रोजाना 5 निवालों में 5 लहसुन के पीस खाया करें। अदरक का खूब इस्तेमाल किया करें, और अलसी हल्का सा भून के रख लें, और 1 चम्मच अलसी रोज़ाना खाया करें, और पानी 2.5 से 3 लीटर पानी पिया करें, 1 घंटा पैदल धूप में चला करें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए, तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा। हकीम साहब, जब बात जैतून के नमक की और कलौंजी के नमक की यहाँ पे करें, तो अगर हम अपने खाने बनाने में या फिर अपने सलाद में या फिर जो हम रोटी खाते हैं उसमें भी कई लोग क्या है, स्वाद के लिए नमक डाल लेते हैं, जो कि स्वाद वाला नमक आता है, लेकिन हम उसी आटे में क्या कलौंजी का नमक या फिर जैतून का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आटे में और उसमें तो कर सकते हैं, जी
पूरे परिवार के लिए एक चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने में मिला सकते हैं, पूरे खाने में मिला दें एक चम्मच, बस काफी है सबके लिए। पहले ये नमक इस्तेमाल होता था 100 साल पहले, अब लोग इसको भूल गए और खाने ही अलग अलग लोग खाने लगे, अजीब अजीब से खाने, बाजार के खाने। अब हम तो आज तक है देसी खाने खाते हैं, वही घर की दाल सब्जी जो भी घर में बनता है। ये जितने मॉडर्न खाने हैं ये, इन पर आप देखते हैं कि कलर हुआ होता है, हरा हरा लाल लाल, ये बड़ा दुश्मन है इंसान का। फिर वो हमारे जायके पर कब्जा करने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा मिला देते हैं जो हमें नुकसान देता है। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी घर के जिम्मेदार जो है, वो जो खाना बनाती हैं वो हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं। हो सकता है वो आपको कम पसंद आता हो और खूब मिर्चों वाला खाना बाहर का होता है वो पसंद आता होगा आपको, लेकिन माँ आपको जो खाना बना के देगी या घर के जिम्मेदार, वो किसी भी 5-स्टार होटल से भी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। कोशिश किया करें कि अपने घर के जिम्मेदारों को खाना खाया करें। अगले कॉलर हैं एमपी से, जीते शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी। नमस्कार। नमस्कार सर जी। आदाब सर। मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ की उम्र है 56 साल, उन्हें कुछ खाने पीने की चीजों को स्वाद नहीं आता है। जी कुछ भी खाएं कोई जी में स्वाद नहीं आता है, सब कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता। ये कब से दिक्कत है उन्हें? मैं कम से कम 1 साल हो चुके हैं। ठीक है। हाँ देखिए, एक आता है नमक जैतून, ये रसायन है जैतून का, इसलिए नमक कहते हैं हम आसान भाषा में। नमक जैतून ले लें और एक चुटकी में जितना आता है एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर इन्हें पिलाया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। टाइम तो लगेगा लेकिन उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी बिल्कुल, तो फ़ायदा तभी होगा जब आप दर्शकों ये नुस्खे अपना लेते हैं। ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपकी कार्यक्रम में कॉल लग गई है और आपने सुनकर संतोष कर लिया, या फिर कोई भी नुस्खा आपने खुद कैसे भी बना लिया है। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात मिस हो रही है, तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए, वहाँ पर बताइए कि हकीम साहब ने हमें ऐसे ऐसे नुस्खा बताया था, क्या इसमें कुछ और भी हमें मिलाना है, तो आपको सारी बातें डिटेल में वहाँ पर बता दी जाएंगी। तो हर एक नुस्खे का बहुत ही अच्छे से सेवन करना है, बहुत ही तरीके से सेवन करना है, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। जो लोग सब्र रख सकते हैं उनके लिए ही नुस्खे बताए जाते हैं, वही यूनानी ट्रीटमेंट अपनाइए जो सब्र और इंतजार कर सकते हैं। जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप लोगों को कोई भी लाभ बिल्कुल नहीं होगा। बात नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हेलो मैम जी, क्या नाम है? नमस्ते मैम। नमस्ते डॉक्टर। आदाब। आदाब मैम, मेरा नाम सिमरन है, यूपी से मैं बोल रही हूँ जी। मैम ऐसा है कि डॉक्टर को बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि उनको गरीबों का मसीहा कहा तो कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर को खोज रही थी वो डॉक्टर लगता है कि भगवान के दया से वो मिल गए, क्योंकि मैं बहुत जगह दावा कराई, कहाँ कहाँ 20 साल से मैं परेशान थी हर बीमारी से, तो वो बीमारी ऐसे है बस ये सोचिए गरीबों के मसीहा, बस हम यही कहेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं मैं, पहले तो जो दवा डॉक्टर साहब की होती है उतने में हम लोग डॉक्टर साहब को फीस दे आते थे, तो जो फीस डॉक्टर की होती थी उससे हम लोग दवा से ठीक हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। क्योंकि मेरे गांव के लोग जितने लोग हैं, क्योंकि मैं सबको नंबर दे चुकी हूँ, जो अपनी परेशानी बताता है जो हमको समझ में नहीं आता तो नंबर लीजिए आप बात कीजिए आप लोग, तो नंबर ही मैं ज्यादा बांटती हूँ, क्योंकि वो अपनी जो भी परेशानी और दुख हो कह सकती हैं लोग। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं गोद मोरिंगा ले ली जो 20 साल से मैं स्किन प्रॉब्लम से प्रॉब्लम परेशान थी, वो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। 2 महीना से खा रही, स्किन पे इतनी ग्लो आ गई है कि सब कहता है
कौन सी दवा आप खाती हैं? तो मैंने गोद मोहन इंडिया का नाम बता दिया, जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ डॉक्टर साहब। और दूसरी एक सवाल मेरा था डॉक्टर साहब, जो मैं जैतून का सिरका पीती हूँ तो क्या मैं दूध उसके जैसे दूध पी ली उसके आधे घंटे के बाद जैतून का सिरका पी सकती हूँ? और सब डॉक्टर साहब और सब आपकी दुआ से सब अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने फीडबैक कॉल देते हैं, हमारा हौसला है, हमारी जान हो गए हैं आप लोग ये फीडबैक कॉल देकर, हमें और सेवा करने का हौसला आ जाता है। और आप जैसे कदरदान और मामूली हकीम हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे कितना परवान चढ़ा दिया। और देखिए ये नियत मेरी और आपकी दोनों अच्छी होनी चाहिए, और भगवान से डरने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जैसे आप लोग होते हैं। और अब तो आपको फ़ायदा भगवान ने दिया, अब सबको आपने बताना शुरू कर दिया। यही मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो तो फिर आपके पूरे गांव को फ़ायदा हो, पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को फ़ायदा हो, ताकि रोग मुक्त हो सकें लोग। एक भी तकलीफ, एक फांस भी हमारी लग जाती है, कहीं कांटा चुभ जाता तो जब तक निकलता नहीं जब तक आदमी कितना बेचैन रहता है। तो फिर आपकी दुआओं पर मेरा हक है, क्योंकि आपने मुझे दुआएं दी और मैं बस आपकी दुआएं चाहता हूं। आपने कहा कि वो डॉक्टर कितनी फ़ीस लेता है, डॉक्टर की फ़ीस की कोई वो नहीं है, कोई 50 रुपये भी लेता है तो कोई 5,000 रुपये भी लेता है। मेरी फ़ीस तो आपकी ये दुआ है जो आपने मुझे दे दी। हमेशा खुश रहें, सलामत रहें और लोगों की सेवा करती रहें। भगवान आपकी और मेरी सबकी मदद करे। बहुत शुक्रिया फोन करने का। उदयपुर से हैं कृष्णा कुमारी जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार अकील साहब जी। आदाब। नमस्कार जी। अच्छा मैं ये बोल रही, मेरी ईयर 65 ईयर्स ओल्ड है। क्या 65 ईयर्स है और मेरे क्या एक साल से बाल ज्यादा जड़ रहे। और दूसरा सवाल है कि मेरी बेटी के वो 42 ईयर्स की है। क्या तो वो उसके क्या गर्दन और हाथ के बीच में हड्डी खिसक गई, डॉक्टर बता रहे गर्दन और हाथ के बीच में। अरे तकलीफ क्या है उनको? उसको दर्द हो रहा है अभी, वो हाथ दर्द होता है, काम नहीं होता हाथ से। ठीक है ठीक। अच्छा देखिए ऐसे बैठे हैं आपकी बेटी, अगर देख रही हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप समझा देना। ये कान इससे मिलाना, ये 3 मिनट एक्सरसाइज करनी है उन्हें रोजाना, एक साथ नहीं कर सकती, 3 किस्तों में करें। और ऐसे ये पूरी तरह मोड़े, देखिए ये ठोड़ी यहाँ तक आ जाती है खींच के ऐसे, और यहीं देखना है। ये भी 3 मिनट करें, एक एक मिनट करके पूरे दिन में। एक ये तो एक्सरसाइज है। और गौन स्याह असली लें, नकली बहुत मिलता है, आधा ग्राम सुबह खिलाएं, आधा ग्राम शाम, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, और सब्र करें 5-7 दिन के बाद हल्का हल्का फ़ायदा शुरू होगा। उस हाथ से जोर ना लगाएं जिसमें दर्द है, ठीक है। और दूसरा क्या सवाल था? बालों के लिए। हाँ इस उम्र में और इस मौसम में बाल गिरते हैं। आप गौन सफ़ेद, गौन मोरिंगा एक आता है, गौन और है जो सफ़ेद गौन मोरिंगा, इसे 100 ग्राम खरीद लें असली। देखिए नकली का बहुत दौर चल रहा है, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, पानी में मिला के, दूध में मिला के या नारियल पानी में मिला के, और ये 100-200 ग्राम खरीद लें। ये वो रॉ मटेरियल है जिससे बाल बनते हैं, तो आप इसे इस्तेमाल करें, आपको भी फायदा मुमकिन है जी। हमारे साथ आदित्य हैं, अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुल्तानपुर से। ठीक है, सवाल? अकील साहब नमस्कार। जय हिंद, आदाब। सर अभी शो की शुरुआत में एक कॉलर ने पूछा था नींद की गोली के बारे में, नींद की गोली की आदि थी वो मोहतरमा, तो उनको आपने जैतून का सिरका बताया, तो सर वही दिक्कत मुझे भी है। तो हमारा सवाल ये है कि सिरका जब हम शुरू करें पीना तो क्या नींद की गोली तुरंत बंद कर दें? बड़ा अच्छा सवाल किया है।
हाँ, तुरंत बंद ना करें, जितनी प्रोटेंसी की आप खाते हैं उससे आधी कर दें, या कुछ भी नहीं तो उस गोली को तोड़कर दो हिस्से कर लें, उसका एक हिस्सा खा लें और जैतून का सिरका पी लें, तो धीरे धीरे आप उसे छोड़ सकते हैं। और बहुत आसान है नींद की गोली छूटना, ये हमारे दिमाग को सुखा देती है, मजबूर कर देती है। ये सब खुश्क दवाएं होती हैं, दिमाग को खुश करती हैं, दिमाग में ब्लॉकेज करते हैं। और एक दिन हम इस लायक नहीं रहते कि जी सकें, और याददाश्त चली जाती है सारी, और बड़ी बुरी हालत होती है जब हम बेड पर होते हैं और हमें अपना पता नहीं होता, इन गोलियों से यह हाल होता है। लेकिन धीरे धीरे करके छोड़ें, यह आपको बहुत सुकून देता है, और मैंने तो जिसको भी बताया उनमें ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होता है।